पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश चैप्टर 3 प्रोज का, जो फ्लेमिंगो में प्रोज चैप्टर है उसका चैप्टर 3 देखेंगे, कीपिंग क्वाइट, जिसके राइटर पैब्लो नेरुदा हैं। आज हम लोग कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टेंजा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट है। तो क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे पूछेगा, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट इन अबाउट 18 वर्ड्स। तो आंसर लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट इज टू कीप साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड डू नथिंग इंस्टेड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। द पोएट आस्क्स अस टू स्टॉप वार्स हैट पॉल्यूशन किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हर्टिंग आवर सेल्फ्स एंड स्पेयर सम टाइम टू गो डीप इन टू द सोल। तो और देखिए, साइलेंस इज द साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड हैंस एज देयर विल be no language barrier we all will be one we will not have greed and hate there will be unity and fraternity the poet believes this silence will change our perspective and thinking because it does not mean inactivity but patience like the natures। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। कीपिंग क्वाइट चैप्टर का, चुप रहना कविता का केंद्रीय विचार एक पल के लिए मौन रखना और कुछ न करना है, इसके बजाय अपने आप को आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं। कविता हमें युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और दुख को चोट पहुंचाने से रोकने और आत्मा में गहराई तक जाने के लिए कुछ समय निकालने के लिए कहता है। मौन सार्वभौमिक भाषा है और इसलिए कोई भाषा बाधा नहीं होगी, हम सभी एक होंगे। हमारे पास लालच और नफरत नहीं होगी, एकता और भाईचारा रहेगा। कवि का मानना है कि यह मौन हमारे दृष्टिकोण और सोच को बदल देगा, क्योंकि इसका मतलब निष्क्रियता नहीं बल्कि प्रकृति की तरह धैर्य है। तो आज का इस चैप्टर का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पोएट्री का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 का सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा चाहिए तो प्लेलिस्ट बना के रख दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।